पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमीले गर्यो उर्दू भाषाको प्रबन्धनका निमित्त दार्जिलिङमा साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमीले आज बिहीबार दार्जिलिङ क्षेत्रमा उर्दू भाषाको प्रबन्धनका लागि दार्जिलिङ स्थित जीडीएनएस हलमा साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरियो। उक्त सम्पन्न कार्यक्रममा बहुभाषिक कवि सम्मेलन पनि आयोजना गरियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पश्चिम बंगाल सरकारका अल्पसंख्यक मामिला अनि मदरसा शिक्षा राज्य मन्त्री गुलाम अहमद रब्बानी रहेका थिए। यसरी नै अतिथिहरूमा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, पहाडी माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्डका चेयरम्यान सोलोमन सुब्बा लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम सम्बन्धी अल्पसंख्यक मामिला र मदरसा शिक्षा राज्य मन्त्री गुलाम अहमद रब्बानीले के भने सुनाऊ। चेयरमैन हमारी दीदी ममता बनर्जी खुद है, उन्होंने जिम्मेदारी दी कि वो जो ये एकेडमी है, लैंग्वेज एकेडमी है, और इसका काम है उर्दू लैंग्वेज का प्रमोशन। लेकिन साथ साथ उर्दू का एक कल्चर भी है जिसमें भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, हम लोग सब इसको प्रमोट करते हैं। उसी कड़ी से, उसी गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के हम लोग दार्जिलिंग के पहाड़ पर भी आए हैं, और बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग हम लोग को ऐसा खैर मकदम किए, ऐसा वेलकम किए, अपना दिल का जो गर्माहट है वो यहाँ तक हमको महसूस हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा ठंडा भी नहीं लग रहा। देखिए हम कम पहने हैं, लेकिन जो बड़ी बात है यहाँ पर कि एकेडमी की जानिब से आज एक कल्चरल प्रोग्राम है, आज एडुकेशन डे। आपको मालूम है मौलाना आजाद का बर्थडे है, हम लोग पूरे भारत में एडुकेशन डे मनाते हैं। इसके तहत भी आज ये जो मल्टी लैंग्वेज मल्टी लिंगुअल हम लोग मुशायरा कवि सम्मेलन यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं। यहाँ पर बंगला में भी कविता पढ़ी जा रही है, हिंदी में भी पढ़ी जा रही है, उर्दू में तो पढ़ी जाएगी ही, लेकिन खास बात है कि यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है नेपाली, उसमें भी यहाँ की हमारी राय मैडम अभी पढ़ी थी, और एक लड़की परवीन वो भी पढ़ी थी, अपना अपना कविता वो पेश कर रही है, अपना कलाम पेश कर रही है। तो ये और यस मंत्री साहब ने अभी याद किया कि एक लड़की वो कश्मीरी में भी वो नात पढ़ेगी, बल्कि हम लोग शुरुआती हुआ वो इजाज के साथ जो नेपाली में उन्होंने नात पढ़ा। तो ये देखिए एक पूरा मिलजुल करके हम लोग का आपस का भाईचारगी है, और कल्चर जो इसको प्रमोट किया जा रहा है, ये दीदी का विजन है कि भाई हमारा दिल बड़ा है, हमारा सबके लिए जगह है, दार्जिलिंग के लिए तो खास जगह वो रखती है। और दार्जिलिंग आप याद रखिएगा कि बंगाल के माथा के ऊपर है, तो माथा पर तो ताज ही रहता है ना। मैं उसी के लिए डीएम को बात किया, डीएम को मैं बोला कि यहाँ का हिल का जो भी प्रॉब्लम है, यू माइनोरिटी सी लुकिंग टू द मैटर what is going on, and you take proposals and send to my department, and our Mukhyamantri is quite kind to Darjeeling. Darjeeling काफी उसको अच्छा लगता है, Darjeeling में दो तीन दिन रह जाती है, कोई मुख्यमंत्री नहीं आता, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार आती है, नॉर्वेगढ़ बार बार आती है, फिर डेवलपमेंट के लिए रिव्यू मीटिंग होती है, 600 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर, जिला स्तर से लेकर कलकत्ता तक।